एयरपोर्ट्स और अन्य जगहों पर कोरोना वायरस के लिए लोगों को स्कैन किया जा रहा है थर्मल स्कैनर और थर्मल इमेजिंग के द्वारा। तो क्या इस स्कैन से कोरोना वायरस डिटेक्ट हो जाता है? तो जवाब है नहीं, इससे सिर्फ बुखार डिटेक्ट होता है क्योंकि ये स्कैनर सिर्फ टेम्परेचर की रीडिंग देते हैं। तो जिनको बुखार डिटेक्ट होता है इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है, और इनके गले और नाक से सैंपल लिए जाते हैं। इन सैंपल्स को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। फिर लैब में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए स्पेशल टेस्ट किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे होता है, ये टेस्ट किट कौन बनाता है, कौन सी कंपनी बनाती है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, यानी कि इसकी जो रिपोर्ट है इस टेस्ट किट के द्वारा वो रिपोर्ट कितनी सटीक होती है, और इस समय आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अंत तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और हर हफ्ते न्यू इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो जनवरी में कोरोना वायरस यानी COVID-19 का जेनेटिक सीक्वेंस पब्लिश किया गया था। इसके आधार पर काफ़ी सारे कंपनीज ने कोरोना वायरस के टेस्ट किट पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिससे कोरोना वायरस का डिटेक्शन आसान हो सके, क्योंकि इलाज से पहले ज़रूरी है कि डिटेक्ट करना कि इससे कोरोना वायरस है या नहीं। तो कोरोना वायरस के 3 यूनिक जीन्स होते हैं जिनके आधार पर ये किट कोरोना वायरस को डिटेक्ट करता है। तो अगर वायरस म्यूटेट भी होता है तो इसके चांसेस काफ़ी कम है कि तीनों के तीनों जीन्स चेंज हो जाएंगे। तो इसके आधार पर वायरस को जो है टेस्ट किया जाता है। तो काफ़ी सारे कंपनीज इस वक्त गवर्नमेंट अप्रूवल से ये किट्स बना के सप्लाई भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी सारे कंपनीज है चाइना में, यूके में, सिंगापुर, तो और भी काफ़ी सारे कंपनीज है जो ये किट्स अभी फ़िलहाल बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं लैब्स में। तो इस किट से लैब टेस्टिंग का काम जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसमें पेशेंट के गले से या नाक से सैंपल लिया जाता है, क्योंकि ये लंग्स की बीमारी है, कोरोना वायरस जो है लंग्स को अफेक्ट करता है, तो गले का सैंपल जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और उसे फिर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अब इस टेस्टिंग प्रोसेस में भी दो प्रॉब्लम सामने आते हैं। पहला है सैंपल कलेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि कभी कभी पेशेंट के जो सैंपल में ये पैथोजन है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, तो उससे भी रिज़ल्ट सही नहीं आता। और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है लैब ट्रांसपोर्ट टाइम, यानी कि इस सैंपल में जो पैथोजन है वो ज़्यादा टाइम तक शरीर के बाहर ज़िंदा नहीं रह पाता। तो सही टेस्ट रिज़ल्ट के लिए इस सैंपल को तुरंत लैब में पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, अगर देर हो जाती है तो रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं कि सही आए। तो इस वजह से कोरोना वायरस के डिटेक्शन में भी काफ़ी सारे मुश्किलें आती हैं, और हर बार 100% सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। अभी तक वैसे गारंटीड रिज़ल्ट के लिए टेस्ट किट और टेस्ट प्रोसेस जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो ये था कोरोना वायरस डिटेक्शन का प्रोसेस। अब इससे बचने के लिए आप फ़िलहाल क्या कर सकते हो? आप फ़िलहाल सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला है हेल्दी रहो, साफ़ सफाई रखो, यानी सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश यूज़ करो और अपने घर ऑफिस को साफ़ रखो। दूसरी चीज़ जो है कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करो ताकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ही कम हो जाए। तो इसके लिए काफ़ी सारी हर्बल दवाइयाँ हैं, उसमें जो है आर्सेनिक एल्बम 30, ये आयुष मंत्रालय यानी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद इन्होंने रेकमेंड किया है। आर्सेनिक एल्बम 30 कोरोना वायरस की दवा नहीं है, ये एक हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सलाह लेके ही इसे यूज़ करें। तीसरी जो चीज़ है वो है बाहर जाते समय मास्क पहने, स्पेशली बस ट्रेन में। अगर आपके यहाँ पे मास्क आउट ऑफ स्टॉक है तो नया स्टॉक आने तक आप घर पे खुद अपना मास्क कैसे बना सकते हैं, इसका वीडियो भी हमने रिसेंटली बना के डाला था, तो जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आपको अगर कोई डाउट्स है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कोरोना वायरस के कारण तो कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।